हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम हमदर्स है। मैं हूं बच्चा। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा कमाल की वीडियो आने लगी है। इस तरह की वीडियो हम खुद भी पहली बार करने लगे हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक्सपोर्ट्स कंपैरिजन 2023। मतलब एक्सपोर्ट्स जो के क्या-क्या एक्सपोर्ट पाकिस्तान करता है, क्या-क्या एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट। इस तरह तो इंडिया की एक्सपोर्ट बहुत ही बड़ी है। भारत मतलब की क्या क्या करता एक है? महीने की जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की साल की एक्सपोर्ट से ज्यादा है। लेकिन आज सेम सेक्टर्स के बारे में हम देखेंगे। मतलब टेक्सटाइल कितना भारत एक्सपोर्ट करता है, कितना पाकिस्तान करता है। अच्छा, उसके बाद जो चावल वगैरह कितना भारत करता है, कितना पाकिस्तान करता है। तो इस तरह एक आइडिया होगा कि सेम एक्सपोर्ट में भारत पाकिस्तान से कितना आगे और मतलब क्या सीन है, क्या क्या चीज, कितने कितने बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट दोनों देश करते हैं। बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का गाइस लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। टेक्सटाइल सेट्स, ये टेक्सटाइल हम 6.2 हम 5.5। कॉटन एक्सपोर्ट भारत हम 3.46। सीरियल हम 2 और भारत 14। ये आर्टिकल नेट मतलब ये जो चीजें होती हैं। इलेक्ट्रिकल जो भारत 98 बिलियन और हम 66 मिलियन। हम 142 मिलियन, भारत 27 बिलियन। प्लास्टिक हम मिलियन और भारत 8.24 बिलियन। आर्टिकल एंड आयरन स्टील हम मिलियन और भारत 9.10 बिलियन तकरीबन। टॉय गेम्स हम मिलियंस में और भारत 8.4। ये खिलौने। ऑर्गेनिक केमिकल एक्सपोर्ट हम मिलियन में करते हैं, वो 21 बिलियन। 4.6 बिलियन डॉलर हम मिलियन। और ये एल्यूमिनियम की जो एक्सपोर्ट वो तकरीबन 10 बिलियन डॉलर। हम 12 मिलियन और भारत 2.44 बिलियन। इधर मिलियन और उधर बिलियन है भाई, 3.14 बिलियन। हम 312 बिलियन और वो 1.71 बिलियन डॉलर। वीट एक्सपोर्ट हम 310 मिलियन की, वो 1.5 बिलियन। ये खाली वीट है। वेजिटेबल हम 62 मिलियन और वो 871 मिलियन डॉलर। 57 मिलियन और भारत 4.83 बिलियन। वीट हम 33 मिलियन और भारत 3.3 बिलियन। टूल्स इम्प्लीमेंट्री मतलब कटलरी वो चार चीजें होती हैं, हम मिलियन और वो 1 बिलियन। 1.63 मिलियन 815। कॉपर हमारा मतलब है इतना काम नहीं। बेवरेज स्पिरिट 400 मिलियन और 374। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम भारत 46 मिलियन और हम 3 मिलियन। निकल एक्सपोर्ट भारत 210 मिलियन और हैं 2000 के। ग्लास ग्लासवेयर एक्सपोर्ट भारत 1.7 बिलियन हम 34। टॉयज वगैरह भारत 53। हम 7000 भारत 117 मिलियन। ये फर्टिलाइजर सिल्क हम 198,000 और भारत 34 मिलियन डॉलर। टीन एक्सपोर्ट भारत 14 मिलियन और हम 23,000 डॉलर। फार्मास्यूटिकल भारत 14 बिलियन डॉलर और हम 46। हम खुद मंगवाते हैं ये शहद वगैरह तंबाकू वगैरह, ये 1.22 हमारा इतना। शुगर एंड शुगर भारत 6.33 की करता है, 2 मिलियन का हमारा है चार्ट। उसका 1.38 मिलियन। ये खाली एक ब्रांच थी। आप ये पॉज करके आज तक देखना, ये थोड़ा स्लो भी देख सकते हो, स्लो भी देख सकते हो। ये आपकी वो मर्जी है। आप अगर मतलब फर्क देखो तुम, फर्क इस चीज से चेक लगाओ, चेक कर। मतलब चीनी और चीनी की बनी हुई चीजें 6.33 बिलियन डॉलर की भारत करता है और हम कुछ मिलियन डॉलर की करते हैं। भाई साहब, लगभग हर चीज में हमारी एक्सपोर्ट में कम से कम 15-20% भाई हम काम दे, किसी में तो और ज्यादा काम दे हम भाई, बहुत एक्सपोर्ट देखी जाए ना, एक्सपोर्ट ओवरऑल हम 50-60 गुना पीछे हैं भारत से, बल्कि इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा। तो ये चीज है, भारत आज इस लेवल पे और हम किस लेवल पे है। देखो हमारा कुछ हजारों में से मतलब 2000 डॉलर
कि हम वो करते ही क्यों एक्सपोर्ट यार। एक्सपोर्ट अभी हमारे इस बार कितनी है हमारी एक्सपोर्ट, हमारी 20 बिलियन डॉलर भी नहीं। हमारी इस बार पिछले साल 31 बिलियन डॉलर, इस बार 20 बिलियन डॉलर भी हमारी नहीं बन रही, तो आप खुद अंदाजा लगा लो इंडिया किस लेवल पे जा चुका है। और इस साल भारत की तकरीबन जो हिसाब लग रहा है, अगले 4-5 साल के अंदर अंदर 1 ट्रिलियन को क्रॉस करने वाला इंडिया एक्सपोर्ट के मामले में, खाली सिर्फ एक्सपोर्ट के मामले में, सिर्फ एक्सपोर्ट के मामले में 100 बिलियन भी चले जाए तो मैं कहूंगा कि उल्टी छलांग लगाने वाली बात है। अगर देखा जाए 100 बिलियन हमारी कहाँ भाई, आपको हमारी शक्ल है 100 बिलियन करना, हम कर यार करने को कुछ भी हो सकता है। छोटे छोटे देश पाकिस्तान से इतने छोटे छोटे देश कर सकते हैं 500 बिलियन, मैं वही कह रहा हूँ कर सकते हैं, लेकिन अपने हमारे पॉलिसीज और हमारी एजुकेशन और हमारी ऐसी चीजें कि हम इस तरह आगे नहीं जा सकते। हमारा इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की जरूरत होती है जो वाकई में हमारे हमें अगर स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो हमें इंडिया के लेवल तक पहुंचने के लिए ना, इंडिया के जिस टाइम अभी इस टाइम इंडिया है, जो अभी इंडिया, अभी जो इंडिया है, हमें कम से कम, हमें कम से कम 40 से 50 साल लगेंगे, 40 से 50 साल लगेंगे जहाँ जिस लेवल पर अभी इंडिया है, और फिर इंडिया वो किस लेवल पे होगा ये समझो, इंडिया हमसे 40-50 साल आगे, सही बात, यही समझो 40-50 साल इंडिया हमसे आगे, जिस तरह इंडिया आगे हो गया एक्सपोर्ट के मामले में हर मामले बाकी 40-50 साल, 40-50 साल इंडिया हमसे आगे, आप मानो या ना मानो हमसे आगे, चाहे तुम इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, चीज की एक्सपोर्ट उठा लो, कोई भी चीज फार्मास्यूटिकल देख लो, उधर इंजीनियरिंग गुड 100 बिलियन डॉलर के भारत दे रहा है, और मैं कहता हूँ जो चीज इंडिया में और पाकिस्तान में सेम यूज होती है, सेम यूजिंग वाली उस चीज को उठा लो, हम 50 साल पीछे भारत और कितनी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे, सॉफ्टवेयर इसमें थे ही नहीं जो भारत करता है, आईटी सेक्टर देख लो सारा, बहुत आगे है भारत, बहुत ज्यादा केमिकल्स भारत फर्टिलाइजर्स भारत कितने बेच रहे हैं यार, वो कह रहे हैं कि सिर्फ फार्मास्यूटिकल की जो है ये चंद सालों में देख लेना ये 500 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा, फार्मास्यूटिकल बहुत आगे जा रहे हैं, ये बात है, इतनी बड़ी मार्केट है ये, तो आप खुद अंदाजा लगाओ, और आज हमने देखा है कितना फर्क है यार, कहीं कहीं अभी अगर आपको लगता है जो चीजें अभी कुछ चीजें तो ऐसी थी जो इंडिया में हमसे 200 गुना ज्यादा थी, बिल्कुल थी, मतलब एक्सपोर्ट 200 गुना ज्यादा इंडिया हमसे एक्सपोर्ट, बिल्कुल थी, बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं मोस्टली हर चीज, बिल्कुल मोस्टली हर चीज हमसे इतने परसेंट ज्यादा इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था, बिल्कुल हम तो करीब भी भाई लिस्ट में ही नहीं आते, पाकिस्तान में तो वो टैलेंट यूज जाया नहीं करना चाहते लोग, टैलेंट लोग अपना टैलेंट जाया करने लग गए तो फिर हम आगे निकल जाएंगे, पीछे रह जाएंगे लोग, ओके, तो टैलेंट इधर को यूज नहीं करता भाई, यही कहते हैं कि पाकिस्तानियों में टैलेंट बहुत है भाई, तुम टैलेंट लगाओ तो तुम फिर हमारा कोई मुल्क जो है ना भाई, सही बात है, सही बोला, बहुत आगे हो गया इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों की मेहनत का नतीजा, नहीं तो ऐसे कौन आगे होता है, आपका क्या गाइस राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।